ये थोड़ी सी ढीली तो चली रही थी बट अब देखो बिल्कुल ही गोन है। तो ऐसे लड़ाई है मोल दिया ना। ये देखो यार कॉम्बिंग करने के बाद ने तो नाच मार दिया सुल्तान ने सारा, दिख रही है गर्दन गिल्ली गिल्ली, उसकी गर्दन में ना दांत मार को दे हद से ज्यादा। ये सारे के सारे सुल्तान के हैं और अभी भी मतलब ब्रश से निकालने हैं मुझे। ये देखो काम वाली भाग की तुम्हारी वजह से। ये मेरे को पता है तेरा साथ तो भेजा तू पर पोचे नहीं मारता ना। Hey yo, what's up fam, क्या हाल चाल, इट्स योर बॉय जेरी, किदा कैंट हो सारे। सो आज हर दिन की तरह एक यूजुअल डे है जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं अपने कमरे में से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। और सॉरी यार गाइस, व्लॉग कंटिन्यूस नहीं आ पा रहे, मैंने पीछे भी थोड़े कोशिश की हर एक या दो दिन बाद डालने की, बट थोड़ा सा मूड सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है और मिक्स सा चल रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं है और कुछ मेंटली थोड़ा दिमाग घूम रखा है बिकॉज कई अच्छे काम नहीं बन रहे मेरे। और सेकंड मेरे पास गूगल एडसेंस से भी मेल आ गया कि मेरा 30 डेज़ के अंदर अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। अगर मैं यहाँ पे साइड में मेल डाल दूँ अगर डालने लायक हुई, और अगर किसी को पता हो कि गूगल एडसेंस से 30 दिन के अंदर मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा परमानेंटली, मैं जो दोबारा नहीं बना पाऊँगा अपने पैन कार्ड पर, इसका रीज़न क्या है तो यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो आज का व्लॉग मैं बेसिकली बना रहा हूँ कि भाई मेरी एक ऑडियंस ना टूटे और कुछ मेरे को अपने डॉग्स की थोड़ी सी उनकी कोटिंग वगैरह सही करनी थी। भाई ये देखो कैसे मतलब ना बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह कर रहा है। और आप सबको याद होगा कि मैंने इसको इसके बर्थडे पे, जफर के बर्थडे पे मैंने इसको इसका एक ब्रश दिया था जो कि ये पड़ा है, ये रहा मैंने इसको ये हर चीज़ खाने की नहीं होती मेरे बेटे, इसको ये ब्रश दिया था। सो ये इसको क्लीनिंग करनी है, इसकी अच्छे से श्रेडिंग देखनी है, बहुत ज़्यादा बाल श्रेड हो रहे हैं, मतलब कि यार इतने ज़्यादा बाल श्रेड हो रहे हैं कि पूरे घर में ना बाल बाल हो रखे हैं, आप समझ नहीं आ रहा सबसे ज़्यादा कोट ने श्रेडिंग कौन कर रहा है, जर्मन शेफर्ड मतलब सुल्तान अपना या जफर। और इवन कि मैं मतलब एक थोड़ी सी फनी बात बताऊँ तो मतलब कुछ दिन पहले काम वाली आंटी आए थे और इनके करके भाई तीन तीन डॉग्स पाल लें, इतने सारे बाल हैं वो भाग गए और मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं उसके लिए। एंड राइट नाउ अभी क्या है जफर के ना यहाँ पे जो जख्म था ना, ये देखो दिखा बेटा दम दिखा, ये देखो ये देखो ये आ इसके पास ये थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। सो इसको पाउडर लगाते हैं सबसे पहले, आशिमा वहाँ पे बैठी है ड्राइंग रूम में, उसको कैमरा होल्ड करवाता हूँ मैं और इसको पाउडर लगाता हूँ। और गाइज ये कुछ कंडीशन चल रही है फिलहाल अपने एक्वेरियम की, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये तो मेरे पीछे पीछे आता ही है, तो थोड़ा सा मूड सही नहीं है और थोड़ी सी हेल्थ भी सही नहीं है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, ऐसा मत कहना कि भाई डाउन डाउन दिख रहा है कुछ भी, ऐसा थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। और आप लोग यार व्लॉग्स को प्यार नहीं दे रहे, मेरे को दिख रहा है बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं जिस वजह से मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट भी डीएक्टिवेट होने की मेल आ गई है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसको दोबारा एक्टिवेट करने के बहुत पंगे हैं, वो एक बार ही एक्टिवेट होता है। आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे, आप लोग सब्सक्राइब कर रखा है या तो नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन कर रखी है आपने, आई डोंट नो वाई आप लोग मतलब समझ नहीं आ रहा यार मेरे को तो, बट ठीक है चलो इट्स योर कॉल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये है फिलहाल कंडीशन कुछ एक्वेरियम की, वेल एंड गुड चल रहा है। इसके अंदर हीटर इंस्टॉल कर दिया मैंने और हीटर इसलिए इंस्टॉल करा है क्योंकि अब ठंड का होने लग गया है तो थोड़ा पानी का टेम्परेचर सही रहता है। और ये देखो आप लोगों ने कहा था कि इनको छुपने की जगह दो, तो ये देखो ये बीच में मैंने डाल दिया था, अब ये छुपे पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो कैसे मज़े में नीचे बैठी है। सो मैंने जस्ट थोड़े दिनों के लिए निकाला था कि इनको थोड़ा सा मिलने का बन जाए, देखो कितनी प्यारी लग रही है यार ये वाली चाक, है ना अच्छी लग रही है ना। जफर कह रहा है यार मेरे को दवाई लगा दे बाद में दिखाइए एक्वेरियम, चला तेरे को दवाई लगाते हैं, मतलब सही चल रहा है अपना ये। बट आज सुबह एक पोपट हो गया कि एक फिश मर गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, मैंने उसको थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंस भी देने की कोशिश करी बट बनी नहीं बात। ये मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन चला रखी है, दवाई डाली हुई है, ये देखो ये शार्क है जो कि मर चुकी है ऑलरेडी, और ये थोड़ी सी ढीली तो चली रही थी बट अब देखो बिल्कुल ही गोन है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि चल गया रहा है। गूगल एडसेंस की डीएक्टिवेशन की ईमेल आ गई है, व्यूज़ नहीं आ रहे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, फिशेस मर रही हैं, समझ नहीं आ रही। ये देखो कैसे मज़े में बैठा है अपनी कॉम्बिंग कराने के लिए, आपको मैं दिखाऊँ, देखो मैं न्यू हेयर ब्रश जो लाया था इसकी एक खासियत है, देखो दिख रहा है आप पर हल्का हल्का वाइट वाइट बर्ड्स है, ये इसकी स्किन को चुभते नहीं है, देखो मैं कितने जोर से अंगूठा दबा रहा हूँ
देखो ये बर्ड्स मुड़ रहे हैं बट ये मेरे इसके अंदर नहीं चुभ रहे। ये पहले जो ब्रश ऐसा सा आता है मतलब वो सस्ते में आता है इसी लुक में, उसके आगे ये वाइट वाइट नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा इनकी स्किन को पेन करते हैं, बट अभी नहीं होगा। ऐसे जैसे हैप्पी वैगिंग टेल है ऐसी रहेगी, और सुल्तान की भी अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस भाई साहब ने भी बहुत ज़्यादा बाल झाड़ रखे हैं, आउट ऑफ कंडीशन हो रखा है जर्मन शेफर्ड हमारा। और इधर खड़ी है अपनी बुलेट, मैंने यार आपको पहले भी कहा था अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको एक बार अच्छे से धुलवा के छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करवा के मोटा व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, भाई हेलमेट डाल के मैं आपको घुमाने लेकर जाऊं, मोटा व्लॉगिंग स्टार्ट करूं जैसे कि मेरे पास गोप्रो है, तो कमेंट करो कि भाई वी वांट मोटो व्लॉग, तो फिर अगला व्लॉग या उससे अगला व्लॉग इसी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे अगला व्लॉग एक आ रहा है जर्मन शेफर्ड की डाइट के ऊपर जो आप लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सुल्तान की डाइट क्या है, कैसे सुल्तान इतना पतला हो गया था, हड्डी हो गया था, कैसे मैंने इसको अच्छा कर दिया, कैसे लड़ाइयाँ ले रहा। अभी इसको दवाई लगाते हैं और इसकी हेयर कॉम्बिंग करते हैं। भाई मेरे को मेरे कपड़ों से जज मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन से ऐसे ही घर पे पड़ा हूँ और मेरा कोई मतलब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है, ठीक है बट चलो जो है अच्छे के लिए होता है। अभी को पहले इसको मेडिसिन लगाता हूँ, उसके बाद इसकी हेयर कॉम्बिंग करूँगा। एक पास आगे दिखा दो, ये एक्चुअली ना मैंने ले रखा है नियोमाइसिन सल्फेट एंटीबायोटिक पाउडर, तो ये दिया था मेरे को लगाने के लिए, सो ये लगा रहे हैं जिससे ठीक हो भी रहा है। कपड़ों से जज मत करना, थोड़ा सा रामू काका टाइप बनाया हूँ क्यों, मैं पूरा दिन घर ही हूँ। भाई बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ ये सीरियसली। अभी देखो सॉफ्ट से कॉम है ना, इससे इसकी हेयर ब्रशिंग करते हैं और सुल्तान की भी करते हैं। इतने ज़्यादा बाल रखे ना घर में, काम वाली भाग गई तुम्हारी वजह से। ये मेरे को पता है तेरा साथ तो हमेशा है, तू ऊपर पोचे नहीं मारता ना। चलो हेयर कॉम्बिंग करते हैं। पूजा खड़ो जा, खड़ो खड़ो बेटा, खड़ो 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 खड़ो, इधर आ जा, इधर जा, इधर जा, चलो इधर हो जाओ, इधर 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 इधर। हेयर कॉम्बिंग मैं गेट के पास ही कर रहा हूँ, देखो कितनी ज़्यादा इचिंग कर रहा है। हेयर कॉम्बिंग गेट के पास ही कर रहा हूँ ताकि बारों बार जाएगा, अंदर तो फिर गालियाँ पड़ती है। ये देखो या तो शायद इनका श्रेडिंग सीजन चल रहा है या इनको इचिंग ज़्यादा छिड़ी हुई है। हेयर ब्रश मेरे पास एक और भी था जो प्लास्टिक का आता है, वो ऐसे टिक टिक करने वाला, बट कामयाब नहीं है। ये बेस्ट है ओल्ड स्कूल। अब इसको निकालना थोड़ा सा झंझट भरा है। सिराना भर लो इसका, सिराना इतने ज्यादा है। सो भाई जफर भी आ गया खुला ओपन में, सुल्तान भी आ गया। अभी सुल्तान थोड़ी सी मस्ती मार रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो एक तो इसमें देखो सारा पानी गिर गया यहाँ पे, और ये देखो यार बालों की तादाद, मतलब पता तुम्हें दिख रही होगी या नहीं, ये देखो वो देखो, ये मैंने दीवार सी बना रखी है थोड़ी सी, ये देखो कितने सारे बाल पड़े हैं, कितने सारे बाल पड़े हैं भाई साहब, मतलब क्यों ना भागे काम वाली तुम्हारी हरकतें देख के हैं। अरे इसको देख के तो वैसी दुनिया डर जाती है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो, इस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वर्ल्ड्स मोस्ट या वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रेसिव डॉग या वर्ल्ड्स बेस्ट गार्ड डॉग कह सकते हो, और उस वीडियो में मैं प्रूव करूंगा कि ये वर्ल्ड का द बेस्ट गार्ड डॉग है, द बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड प्रूव करूंगा। बट उससे पहले अगली इससे अगला व्लॉग जो आएगा वो आएगा जफर के सुल्तान की डाइट पे। यार सॉरी थोड़ा ना दिमाग चला हुआ है तो ऐसा हो रहा है। सुल्तान की डाइट पे आएगा, जर्मन शेफर्ड की डाइट क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट डाइट जिससे इनकी एंगुलेशन एंड ये सब हेल्दी रहे और मेंटेन रहे। और वो मोटो व्लॉग वाला कमेंट आप लोग करोगे बुलेट के लिए कि आप लोग चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आप लोग प्यार नहीं दे रहे, तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से ही मैं स्टेप लूँगा, और हो सकता है मे बी
मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। सो अब बारी है सुल्तान को कॉम आउट करने की, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा श्रेडिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा। सो इसको कॉम आउट करते हैं, देखते हैं कितने गए सर। इसी को देख लो, इसकी हरकतें देख ली। इसको अपना तो कुछ सहरवाना ही है, इसको जाके वो देखो, देखते दिखाई 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 दे। मेरे को तो समझ ही नहीं आती है क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाएगा। थक गया? हाँ हाँ, ये देखो इसकी है, ये देखो इसकी गर्दन गिल्ली कर देता है दांत मार मार के। और अभी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हेयर्स आए हैं इसके सुल्तान के, वो देखो देखो। तो अलग अलग ही चल रहा है इसका, अलग ही चल रहा है। आसपास के लोग भी देखते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। देखिए दिखाइए दिखाइए, उसे गर्दन को पता नहीं क्या पढ़ के समझता है। तेरे को क्या, तेरे को लग कुछ दिखता है क्या? हैं, तो देखो मेरे को भी कैसे करता है। शाम गुस्सा बहुत ज्यादा है, तेरे को लग भी दिखता है। मेरे को डर लगने लगा इससे, झाड़ते हैं इसको। ये देखो यार, कॉम्बिंग करने के बाद इन्हें नाश मार दिया सुल्तान ने सारा। दिख रही है गर्दन गिल्ली गिल्ली, उसकी गर्दन में ना दांत मार। ओ देखो देखो देख क्या कर रहा था ये, हर टाइम लड़ाई गुस्सा, बस यही चाहिए तेरे को। हाँ क्या, ओ देख ओ देख, थप्पड़ के डरा। अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, कॉम्ड सा दिख रहा है, कितना प्यारा सा। ऐसे सच धज के रहा कर यार, सच धज के, मतलब क्या क्या होता, कभी रिश्ता रुश्ता आ जाते लिए। हाँ हाँ, बस तो ऐसे लड़ाई ही मोल लिया गा। ओए नो सुल्तान, अगर जुबान भी लड़ाता है क्या उधर, सो गाइस इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा, आशी में चकेड़े लेती रहेगी। और किसी दिन एक ऐसे, जैसे मैं बोलता हूँ, व्लॉग आएगा, माय डॉग अटैक्ड एंड बाइट माय लिटिल सिस्टर आशिमा, फिर या फिर आप RIP आशिमा लिखोगे जिस हिसाब से इसके हरकतें हैं। सो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग था, खुद को आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए था एक्चुअली व्लॉग थोड़ा सा भी। चलो कैमरा उठा लेता हूँ, व्लॉग कर लेता हूँ। सो मिलेंगे इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, बताने से पहले बता दूँ कि ज़्यादा श्रेडिंग जर्मन शेफर्ड का ये ब्रीड करती है, जैसे ये डबल कोट है अपना सुल्तान। सो इसकी ज़्यादा श्रेडिंग है, अब इसके अंदर सारा भर रखा है, बाल ही बाल भर रखे हैं ये हद से ज़्यादा। ये सारे के सारे सुल्तान के हैं, और अभी भी मतलब ब्रश से निकालने हैं मुझे। ये देखो, ये दिख रहा है, ब्रश से निकालने, इतने ज़्यादा बाल हैं। सो सुल्तान कर रहा है श्रेडिंग अपना, जफर नहीं कर रहा। और इसकी श्रेडिंग का यही एक उपाय है कि ये श्रेड करेगा, न्यू कोट आएगा और सुंदर दिखेगा, तब तक मुझे इसको कंटिन्यूस ब्रश करना पड़ेगा। सो मिलेंगे इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगला व्लॉग जो आने वाला है वो आएगा सुल्तान की डाइट पे, और मोटो व्लॉग के लिए आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको एक बार ही ट्राई दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग अब प्यार नहीं दिखा रहे। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट्स ओके। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।